हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल मम एंड टैड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा बेबी 4-5 महीने का हो जाता है तो हम सब मॉमीज़ को टेंशन हो जाती है कि अब हमें बेबी को सेमी सॉलिड शुरू कर देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम सबके माइंड में आते हैं, जो एज ए मॉमी मेरे माइंड में भी आए थे। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको अपनी बेबी की सेमी सॉलिड जर्नी में हेल्प कर सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेमी सॉलिड हम शुरू करते हैं बच्चों का, तो क्वेश्चन आता है कि हम कब से सेमी सॉलिड शुरू करें। सो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 मंथ के बाद सेमी सॉलिड शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पहला इसका ये कारण होता है, अगर आप 6 मंथ के बाद सेमी सॉलिड शुरू कर दोगे, पहला तो बेबी फूड में इंटरेस्ट लेने लगेगा उसे, अगर आप 6 मंथ के बाद ही शुरू कर दोगे सेमी सॉलिड, क्योंकि जब आप लेट करते हो तो भी उसका माइंड में टेस्ट डेवलप हो जाता है या सिर्फ वो बच्चे दूध पर ही रह जाते हैं। दूसरा सेमी सॉलिड शुरू करने का ये भी होता है 6 मंथ में, क्योंकि सारे जो न्यूट्रिशंस हैं हम बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या फॉर्मूला मिल्क के थ्रू नहीं दे सकते। सो इस टाइम पे बेबी को सेमी सॉलिड शुरू करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर माने तो अगर आपका बेबी अगर 5-5.5 महीने से भी ठीक से बैठने लगा है, तब भी आप अपने बेबी को सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने अपने बेबी को 5.5 महीने से सेमी सॉलिड स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो अच्छे से बैठने लगा था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम कितनी क्वांटिटी में सेमी सॉलिड दें। सो मैं बोलूँगी कि इस टाइम पे आप क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये बेबी के लिए भी बहुत बड़ा चेंज होता है। वो जस्ट अभी मिल्क पर थे, जस्ट सक कर रहे थे और उन्हें उनका पेट भर जा रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। उनके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा जस्ट फॉर टेस्ट और टेम्परेचर और सारी चीज़ों के लिए। तो आप क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो जब आप बेबी को स्टार्टिंग में देते हो। अगर उसने 4-6 चम्मच भी हैप्पी होकर ले लिया है तो वो बहुत होता है, क्योंकि अगर आप फोर्स कर अपने बेबी को बहुत ज़्यादा खिलाओगे तो वो हो सकता है कि इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बोरिंग या बहुत ज़्यादा इन्जॉय ना करें। सो आप उसको बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो, बस जितना हैप्पी होकर 4-6 चम्मच वो ले रहा है उतना उसे दो। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हम कितनी बार सेमी सॉलिड अपने बेबी को दे सकते हैं स्टार्टिंग में। सो मैं ये बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग में अपने बेबी को 1 या 2 बार मैक्सिमम आप दो, फिर जब वो फिर देखो कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कोई से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, फिर आप क्वांटिटी और अपनी मील को बढ़ा सकते हो। बट इनिशियल मंथ में आप 1 बार दो, फिर 2 बार दो, 1 फूड को 1 ही बार ट्राई करो, 1 दिन में 1 ही फूड दो, जिससे कि अगर कोई इसको एलर्जी या कोई रैशेस भी आपको समझ में आ जाए और साथ में बेबी का लाइक डिसलाइक भी समझ में आ जाए कि बेबी को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो कोशिश करो कि 1 फूड को 1 दिन में 1 बार दो और 2-3 दिन तक वेट करो, सेम फूड आप उस कंटिन्यू करो और उसके बाद अगर कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उस फूड को कंटिन्यू करके फिर दूसरे फूड को दे सकते हो। तो ऐसे आपको पहले 1 मील, फिर 2 मील और फिर मैक्सिमम 9 मंथ तक आपको 3 मील देनी है अपने बेबी को। सो ये था। अब बेबी को आता है कि हम बेबी को सेमी सॉलिड में क्या क्या दे सकते हैं। सो आप बेबी को ये सारी चीज़ें दे सकते हो। ये एक लिस्ट है जो मैंने अपने बेबी को स्टार्टिंग में दी थी और उसने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें ले ली थी। सो ये डाइट चार्ट है जो आप अपने बेबी को दे सकते हो। फ्रूट प्यूरी से स्टार्ट करो। फ्रूट में आप बनाना, पियर, एप्पल दे सकते हो, एवोकाडो दे सकते हो। एवोकाडो को थोड़ा सा बाद में इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है बट हेल्दी बहुत होता है, तो आप बाद में करो। और 7 मंथ में आप मैंगो दे सकते हो। वेजिटेबल्स प्यूरी में आप पोटैटो, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, कैरेट, इन सबको दे सकते हो और बाद में इनका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो, सीरियल्स के साथ भी दे सकते हो। सीरियल्स में आप बच्चों को एप्पल ओट्स पोरेज दे सकते हो, ये बहुत हेल्दी होता है। दाल का पानी दे सकते हो, मूंग और अरहर दाल को रखो, ये थोड़ी इजी डाइजेस्ट हो जाती हैं।
चावल पानी दे सकते हो, और रवा को आप पतले पतले फॉर्म में बना कर दे सकते हो, मखाना पोरेस दे सकते हो, मखाने का पाउडर पीस के आप उसे दूध के साथ दे सकते हो, सेरेलेक भी दो, सेरेलेक अगर आप बच्चों को दोगे तो फिर आपके पास भी एक ऑप्शन होगा कि कभी आप बेबी का फूड नहीं तैयार कर पा रहे हो या बेबी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक बैकअप होगा कि आप सेरेलेक दे सकते हो। तो वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप दो। सो ये आप अगर दोगे तो आपके पास ऑप्शन भी रहेगा और बाकी आप नेचुरल तरीके से सारे न्यूट्रिशन बेबी को दो। सो आपने देखा ये सारी लिस्ट है जो आप अपने बेबी को ट्राई कर सकते हो। आप एक एक फूड एक एक दिन में ट्राई करते हो, फिर एंड में आपके पास बहुत सारे फूड हो जाते हैं जो आप अपने बेबी को दे सकते हो। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन दे सकते हो। सो बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड होगा बेबी के लिए जो आप उसे ट्राई करने के लिए दे सकते हो, क्योंकि वैरायटी बेबीज़ को ही पसंद है। आजकल के बेबीज़ भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो एक ही फूड को कंटिन्यू नहीं ले सकते हैं। सो आपके पास अच्छी खासी लिस्ट होगी जो आप अपने बेबी को ट्राई कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जब अपने बेबी को सेमी सॉलिड शुरू करो, आपको हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, क्योंकि इस टाइम पे होता क्या है कि बेबी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो हो सकता है उसको कोई स्टमक इन्फेक्शन हो जाए या कोई बैक्टीरिया हो उसको प्रॉब्लम कर दे। सो आपको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करनी है प्रॉपर, जब आप उसका फूड प्रिपेयर कर रहे हो अपने हैंड वॉश करने हैं, जो भी उसके यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से वॉश करना है। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि इस टाइम पे एक साल से पहले बेबी को आपको चीनी और नमक नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम पे भी उनका सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीनी या शुगर उनकी किडनी में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, पहले मैं भी अपने बेबी को देती थी बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप ऐसा मत करो, आप ट्राई करो कि नेचुरल तरीके से अपनी रेसिपी को स्वीट बना सकते हो, लाइक उसमें गुड़ डाल सकते हो, आप उसमें डेट डाल सकते हो या फ्रूट के साथ उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, जो कि वो नेचुरल स्वीट हो जाएगा। सो आप ये करो। तीसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप इस टाइप की स्पून, ये सिलिकॉन की स्पून है, बहुत ही सॉफ्ट सी है, सो ये बेबी को भी बहुत अच्छे से उनके माउथ में चली जाएगी और कुछ हर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है और अभी वो जस्ट ब्रेस्ट फीड और बॉटल फीड कर रहे थे, तो हर चीज़ उनके मुंह में सॉफ्ट सॉफ्ट सी जा रही थी। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो जब आप सेमी सॉलिड शुरू करो, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, तो आप ये बाय कर लो और अपने बेबी को इससे ट्राई करो। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपका बेबी इन रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करे और उसकी ये सेमी सॉलिड की जर्नी हैप्पी हो पाए, जिससे आप भी थोड़े से टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि अगर बेबी अच्छे से सेमी सॉलिड ले लेते हैं तो हम मम्मीज़ की भी बहुत ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा नए वीडियो के अपडेट्स के लिए, और कुछ भी कमेंट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस रेसिपी के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।